धनबाद के सिंदरी के मनोरह टांड निवासी डोमन महतो परेशान और लाचार हैं, क्योंकि उनके बेटे का शव सऊदी अरब में पड़ा है। अब उनकी अंतिम इच्छा मरे हुए बेटे का मुंह देखना है, लेकिन समस्या ये है कि शव भारत आए तो कैसे आए। दरअसल डोमन महतो दिल्ली जाकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क साधने की स्थिति में नहीं है, और ऐसे में धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार को पत्र लिखकर शव को भारत लाने की फरियाद की है। बता दें कि डोमन महतो के 33 वर्षीय बेटे जयप्रकाश महतो की 28 दिसंबर 2019 को सऊदी अरब में काम के दौरान पोकलेन मशीन की चपेट में आकर मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद अलकासीम में रखा गया, लेकिन शव को भारत लाने की किसी तरह की पहल नहीं की जा रही। हम लोग का जहाज हमारा बेटा गया था सऊदी अरब काम करने के लिए, वहाँ जो है सो पाइप फिटर में यहाँ से गया था, लेकिन वहाँ बहुत आदमी को फैक्ट्री में दिया, रही हमारा बेटा को रोड में दे दिया। रोड में बेचारा जो है सो धूप में काम करता था, फिर बोतल लेके पानी पीने जाता था। वीडियो कॉल में तो हम भी देखे, और उसके बाद छठा महीना ही चल रहा है जो है सो हमारा साढ़ू का एक लड़का है, तो वहाँ पर जो है सो 28 तारीख को 5 बजे हमको खबर किया कि एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद जो है सो बोला कि हॉस्पिटल ले गया, तो वहाँ जो है सो दम तोड़ दिया। यही खबर हम लोग को मिला। कंपनी वाला कुछ बोला आपको? कंपनी वाला आज तक हम लोग को कोई सूचना घर में नहीं भेजा सऊदी अरब से कि हाँ आपका लड़का का ऐसा ऐसा हाल हो गया कुछ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा दो ही बेटा था, एक बेटा उसी का बेटा, उसी का कमाई से हम लोग सारा परिवार का भरण पोषण करते थे। हमारा बेटा का दो लड़का है, एक 3 साल का है, एक 10 महीने का है। घर की माली स्थिति खराब है, घर का स्थिति एकदम खराब है, उन लोग का भरण पोषण कैसे होगा। अब राज्य सरकार से चाहे सेंट्रल सरकार से जो भी मुआवजा जो है सो घर चलाने के लिए, बच्चा का भविष्य के लिए जो भी होता है, उनसे हम लोग तो अर्ज ही करेंगे ना, जो उनको मुनासिब होगा वो हम आप जो है सो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा का जितना जल्दी सौंप जो है सो यहाँ इंडिया में घर तक पहुँचा दे। वहीं इस मामले को लेकर धनबाद जिला प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। जिला अधिकारी की माने तो मृत जयप्रकाश के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से लाने की सारी तैयारियां की जा रही है, साथ ही मामले की पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय को पहले ही दे दी गई। जयप्रकाश महतो नामक व्यक्ति है जो सिंदरी निवासी है, वो सऊदी अरब के अलकाशिम में जो है वो सीगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उनकी असामयिक निधन की खबर जो है वो उनके परिजनों के माध्यम से जिला प्रशासन को मिली है, और जिला प्रशासन ने संबंधित सूचनाएं जो है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास हम लोगों ने भिजवाया है। लगातार जो है वो हम लोग संपर्क में हैं, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि अविलंब जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके परिजनों तक जो है वो पहुंचे, इसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं। हम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हम लोग हैं, जो सऊदी अरब रीजन को देखते हैं, वो अधिकारी के पास हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम लोगों ने भिजवाए हैं, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। कुछ जो है वो पेपर वर्क होते हैं जिसमें थोड़ा समय जो है वो लगता है, वो लगातार इसका अनुश्रवण अपने स्तर पर कर रहे हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो इस व्यक्ति के करीबी व्यक्ति हैं उनका भी लिया गया है, ताकि वहाँ पर सहयोग जो अपेक्षित सहयोग लिया जा सके उनका, और जिला प्रशासन लगातार जो है वो संपर्क में है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के हवाले किया जाए। वहीं उपायुक्त का कहना है कि सऊदी अरब में मौजूद मृतक के दोस्तों से भी मदद के लिए संपर्क किया जा रहा है, साथ ही कागजातों के प्रोसेस में कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्द ही जयप्रकाश के पार्थिव शव को भारत लाया जाएगा। दरअसल 5 माह पहले जयप्रकाश ने सऊदी अरब के अल कासिम में स्थित SIGA प्रोजेक्ट में बतौर पाइप फीटर के रूप में काम शुरू किया था, और ये प्रोजेक्ट सऊदी सर्विस ऑफ इलेक्ट्रो मशीन वर्क कंपनी लिमिटेड के अधीन है। इसी कंपनी में काम के दौरान 28 दिसंबर को एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी TV के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।